नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ सॉन्ग का नाम है क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके आल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा नया अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जिन भाइयों को ऑनलाइन कीबोर्ड पियानो क्लास ज्वाइन करना हो, सीखना हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो पे शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और मेरे सांग का किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो 150 रुपये प्रति सांग पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकता है और अपना मन चाहा सांग्स का ट्यूटोरियल वीडियो भी मुझसे रेडी करवा सकता है। उसके लिए आपको कुछ फी पे करनी होगी। तो चलिए मित्रों, सांग को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांग का स्केल है एफ शार्प मेजर, जिसका कार्ड ये रहा। तो इसमें प्रीलिव्ड में कुछ नहीं है, केवल स्ट्रिंग से एफ शार्प मेजर कार्ड लेना है। एक बार देखिएगा, इसके बाद सीधा सीधा स्थाई प्रारंभ हो जाता है। तो लाइन है क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। देखिएगा, इस लाइन में बेवफा को बहुत लंबा खींचा गया है। देखिएगा कैसे प्ले करना है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। बेवफा देखिए कैसे प्ले होगा, तेरे प्यार में। फिर अगली लाइन, चाह क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। ये लाइन भी इसी प्रकार प्ले होगी, बस मिला में कुछ नोट कम कर दिए गए, कम हो गए हैं। देखिएगा, चाह क्या क्या मिला। देखिएगा, बेवफा तेरे प्यार में। तेरे प्यार में तो मित्रों इतना था प्रीलिउड और स्थाई। तो चलिए अब फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में सबसे पहले कोरस का म्यूजिक पार्ट है, हमिंग है। देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। दो नोट फंटेसिया के प्ले हुए हैं, मैं आपको गिटार पे बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले फंटेसिया प्ले करना है आपको। मैंने आपको सितार पे बता दिया है। इसके बाद कोरस से देखिए कैसे प्लेइंग करना है। इसके बाद स्ट्रिंग, फिर से कोरस, स्ट्रिंग, फिर से कोरस, इसके बाद फिर से स्ट्रिंग। देखिएगा, इसके बाद फ्लूट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है। कैसे, तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना की हुस्न क्या है। देखिएगा,
फिर हो चलो सुहाना, भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है। इसके बाद यहां पर एक स्ट्रिंग का फिलर म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले होगा। फिर अगली लाइन, कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या भला है, देखिएगा। फिर अगली लाइन, दिल ने क्या ना कहा, बेवफा। तेरे प्यार में, स्ट्रिंग का फिलर। फिर अगली लाइन, चाह क्या क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में, देखिएगा। तेरे प्यार में, तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। सेकेंड इंटरल्यूड में सबसे पहले फंटेसिया का म्यूजिक पार्ट है, मैं आपको गिटार से प्ले करके बता रहा हूं। अपने कीबोर्ड में फंटेसिया का टोन सेलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा। इसके बाद कोरस का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, हमिंग है, देखिएगा जैसा फर्स्ट इंटरल्यूड में था उसी टाइप का दूसरा पार्ट है, देखिएगा। पहला पार्ट देखिएगा कोरस का, इसके बाद स्ट्रिंग, कैसे स्लोली, फिर कोरस का नेक्स्ट म्यूजिक पार्ट देखिएगा, तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है, तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं, देखिएगा। फिर सिंगर की गुनगुनाहट है, देखिएगा कैसे प्ले होगा। कैसे, फिर यही लाइन आपको रिपीट कर देना है, तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं, देख लीजिए एक बार और। स्ट्रिंग का फिलर अगली, फिर मित्रों अगली लाइन देखिएगा, यकीन होगा किसी के हम तुम एक राह संग चले हैं, देखिएगा। फिर अगली लाइन, होना है और क्या, देखिएगा।
बेवफा। तेरे प्यार में स्टिंग का फिलर। फिर अगली लाइन, क्या से क्या हो गया। बेवफा। तेरे प्यार में। तो मित्रों इतना था ये सांग। आशा करता हूँ ये सांग आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।